ज़ोंबी हॉरर स्टोरी पार्ट 5 देखने से पहले इसके बाकी पार्ट्स जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था रात भर बैठे बैठे गुल्ली बुल्ली की आंख लग जाती है और ज़ोंबीज भी यहीं पर ही सो जाते हैं। तभी गुल्ली की आंख खुल जाती है और ज़ोंबीज को सोता देखकर गुल्ली जल्दी से बुल्ली को उठाता है और फिर गुल्ली बुल्ली बहुत ही संभल संभल कर ज़ोंबीज के पास से निकलने लगते हैं। तभी गुल्ली शॉन के पास रुककर खड़ा हो जाता है और धीमे से आवाज लगाकर बुल्ली से कहता है, बुल्ली कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? बुल्ली कहता है, गुल्ली ये वक्त कुछ सोचने का नहीं है, जल्दी यहाँ से चलो इससे पहले कि ज़ोंबीज जाग जाएं। गुल्ली कहता है, बुल्ली अगर हम चले जाएंगे तो शॉन को कौन बचाएगा? बुल्ली कहता है, गुल्ली तुम देख नहीं रहे हो, शॉन अब एक ज़ोंबी बन चुका है, अगर हमने शॉन को पकड़ा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, यहाँ से निकलने का ये सबसे सही मौका है। गुल्ली कहता है, बुल्ली मैं शॉन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। गुल्ली और बुल्ली दोनों ही अपनी बात पर अड़े रहते हैं और बुल्ली गुस्से में यहाँ से जाने लगता है। अब आगे बुल्ली यहाँ से जा तो रहा है लेकिन अभी भी बुल्ली को गुल्ली और शॉन की चिंता सता रही है कि कहीं अगर ज़ोंबीज जाग गए तो गुल्ली अकेले ही ज़ोंबीज का सामना कैसे करेगा। जाते जाते बुल्ली बीच में ही रुक जाता है और ये सोचने लगता है कि हमने साथ मिलकर न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और आज मैं गुल्ली और शॉन को अकेले छोड़कर जा रहा हूँ, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। बुल्ली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर बुल्ली वापस गुल्ली और शॉन के पास जाने लगता है। जाते समय बुल्ली को ऊपर जाती हुई सीढ़ियां दिख जाती हैं। बुल्ली ये समझ जाता है कि ये ऊपर जाने का ही रास्ता है। बुल्ली इन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गुल्ली और शॉन के पास जाने लगता है। ऊपर आते ही बुल्ली कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर बुल्ली के होश उड़ जाते हैं। बुल्ली देखता है कि गुल्ली ने शॉन को उठा लिया है और सारे ज़ोंबीज भी अभी तक सो रहे हैं। शॉन को उठाने के बाद जब गुल्ली पीछे मुड़ता है तो गुल्ली को देखते ही गुल्ली एकदम चौंक जाता है और शॉन के समेत ही जमीन पर गिर जाता है। बुल्ली कहता है, गुल्ली डरो मत, ये मैं हूँ। गुल्ली कहता है, बुल्ली तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा कोई ज़ोंबी जाग गया है। बुल्ली कहता है, गुल्ली सारे ज़ोंबीज अभी भी सो रहे हैं, जल्दी से शॉन को उठाकर यहाँ से चलो इससे पहले कि शॉन ही जाग जाए। गुल्ली कहता है, बुल्ली शॉन नहीं जागेगा क्योंकि मैंने पहले ही शॉन को हथौड़ी मारकर बेहोश कर दिया है। इधर गुल्ली बुल्ली बातों में लगे हुए हैं और इन्हें ये पता भी नहीं है कि इनकी बातें सुनकर एक ज़ोंबी जाग गया है। ज़ोंबी जब गुल्ली बुल्ली को जाल के बाहर देखता है तो ये चिल्लाना शुरू कर देता है जिससे बाकी ज़ोंबीज भी जाग जाते हैं। बुल्ली कहता है, गुल्ली जल्दी यहाँ से चलो, ज़ोंबीज जाग गए हैं। गुल्ली बुल्ली जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागते हैं और गेट बंद कर देते हैं ताकि ज़ोंबीज इनके पीछे ना आ सकें। लेकिन अभी भी ज़ोंबीज उधर जाली वाली जगह से उतर सकते हैं जहां से ज़ोंबीज ऊपर चढ़े थे। गुल्ली बुल्ली को जल्दी ही यहां से निकलना होगा इससे पहले कि ज़ोंबीज भी नीचे आ जाएं। गुल्ली बुल्ली शॉन को लिए हुए मेन गेट के पास आ जाते हैं। तभी बुल्ली कहता है, गुल्ली गेट की चाबी तुम्हारे ही पास है, जल्दी से गेट खोलो। गुल्ली जब अपनी जेब चेक करता है तो उसे चाबी नहीं मिलती है।
गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली चाबी मेरे पास नहीं है, मैंने चाबी को ध्यान से इसी जेब में रखा था, लगता है चाबी कहीं पर गिर गई है। बुल्ली कहता है, गुल्ली कहीं चाबी ऊपर तो नहीं गिर गई, चलो हमें ऊपर चलकर देखना होगा। गुल्ली कहता है, बुल्ली जब मैं शॉन के समेत जमीन पर गिर गया था चाहे तभी चाबी मेरी जेब से निकल गई होगी, चलो हमें ऊपर ही चलकर चाबी को ढूंढना होगा। बुल्ली कहता है, गुल्ली शॉन को यहीं पर ही रख दो क्योंकि हमें शॉन के साथ ज़ॉम्बी से बचने में दिक्कत होगी। गुल्ली शॉन को यहीं पर ही बिठा देता है और फिर गुल्ली बुल्ली चाबी ढूंढने के लिए ऊपर जाने लगती है। अरे ये क्या, लगता है पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई है। अरे नहीं, ये काम तो ज़ॉम्बी का है, लगता है ज़ॉम्बी मेन सप्लाई को ही खाना समझ बैठा है और इसकी कीमत इसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। इतने अंधेरे में गुल्ली बुल्ली के लिए और मुसीबत बढ़ गई है और अब गुल्ली बुल्ली के लिए चाबी को ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल है। गुल्ली कहता है, बुल्ली ये क्या हो गया, अब इतने अंधेरे में हम चाबी को कैसे ढूंढेंगे। बुल्ली कहता है, गुल्ली अब हमें चाबी ढूंढने से पहले स्टोर रूम में चलना होगा, शायद हमें वहां से कोई काम की चीज मिल सकती है। और फिर गुल्ली बुल्ली स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। अरे ये कहां से आ गया, अगर इसने गुल्ली बुल्ली को देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ज़ॉम्बी गुल्ली बुल्ली की तरफ देखने के बाद भी आगे जा रहा है, इसका मतलब ज़ॉम्बी को अंधेरे में कम दिखाई देता है, अंधेरे की वजह से गुल्ली बुल्ली बाल बाल बच गए। ज़ॉम्बी के आगे जाते ही गुल्ली बुल्ली सीधे स्टोर रूम में जाने लगते हैं। स्टोर रूम में आते ही बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली पूरे स्टोर रूम को छान डालो, हमारे काम की चीज यहीं पर ही छुपी हुई है। और फिर गुल्ली बुल्ली स्टोर रूम में छाना भी नहीं करने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार बुल्ली को अपने काम की चीज मिल ही जाती है। बुल्ली गुल्ली को दिखाता है, गुल्ली देखो मुझे टॉर्च मिल गई है। और जैसे ही बुल्ली टॉर्च जलाता है तो देखता है कि एक ज़ॉम्बी तो यहीं पर ही खड़ा हुआ है। ज़ॉम्बी को देखते ही गुल्ली बुल्ली यहां से भागते हैं। भागते भागते गुल्ली बुल्ली सीढ़ियों के पास आ जाते हैं क्योंकि अब इन्हें चाबी ढूंढने के लिए ऊपर जाना होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर आते ही बुल्ली गेट खोलता है और अपने सामने की तरफ टॉर्च मारता है। गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी तो यहीं पर ही खड़ा हुआ है। तभी गुल्ली की नज़र चाबी पर पड़ती है जो कि बिल्कुल ज़ॉम्बी के पास में ही पड़ी हुई है। गुल्ली बुल्ली को दिखाता है, वो देखो बुल्ली चाबी पड़ी हुई है। बुल्ली कहता है, गुल्ली पहले ज़ॉम्बी को यहाँ से चला जाने दो, फिर हम चलकर चाबी उठा लेंगे। गुल्ली बुल्ली ज़ॉम्बी के यहाँ से जाने का इंतजार करने लगती हैं। ज़ॉम्बी जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसका पैर सीधा चाबी पर ही रख जाता है। ज़ॉम्बी पैर हटाकर चाबी को देखने लगता है। इधर गुल्ली बुल्ली ज़ॉम्बी को ही देख रहे हैं कि अब ये चाबी का क्या करने वाला है। ज़ॉम्बी चाबी को उठा लेता है और अपने मुंह की तरफ बढ़ाने लगता है। अरे ज़ॉम्बी तो चाबी को खाने जा रहा है। गुल्ली जैसे ही ये देखता है तो अपने हाथ की हथौड़ी सीधा ज़ॉम्बी के फेंक कर मारता है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता, ज़ॉम्बी चाबी को खा ही लेता है। ज़ॉम्बी गुल्ली बुल्ली को देखते ही इनकी तरफ आने लगता है। ज़ॉम्बी को आता देखकर गुल्ली बुल्ली नीचे की तरफ भागते हैं। भागते भागते गुल्ली बुल्ली रिसेप्शन में आ जाते हैं और दीवार की आड़ में खड़े हो जाते हैं। गुल्ली कहता है, बुल्ली अब मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। बुल्ली कहता है, गुल्ली अभी भी एक रास्ता है, वो देखो। गुल्ली क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ,
बुल्ली कहता है, हाँ बुल्ली मैं भी वही सोच रहा हूँ। बुल्ली कहता है, गुल्ली तो फिर देर किस बात की है। और फिर गुल्ली बुल्ली उस कार की तरफ जाने लगते हैं। कार के पास आते ही बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली तुम जल्दी से शॉन को उठाकर ले आओ, मैं जब तक कार निकालता हूँ। गुल्ली शॉन को उठाने के लिए जाने लगता है। इधर बुल्ली कार में आकर बैठ जाता है और कार स्टार्ट करके यहाँ से निकालने लगता है। इधर गुल्ली शॉन को लेकर आ रहा था, तभी गुल्ली की नजर पीछे की तरफ पड़ती है। गुल्ली देखता है कि सारे ज़ॉम्बीज तो कार की तरफ ही आ रहे हैं। गुल्ली जल्दी से कार में आकर बैठ जाता है और बुल्ली से कहता है, बुल्ली सारे ज़ॉम्बीज कार के ठीक पीछे ही हैं। बुल्ली कहता है, गुल्ली अब तुम देखो मैं इन ज़ॉम्बीज का क्या करता हूँ। बुल्ली कार को फुल स्पीड से बैक करता है और सीधा ज़ॉम्बीज के ठोक देता है। इससे ज़ॉम्बीज की एक आध हड्डी तो टूट ही गई होगी। और फिर बुल्ली कार को तेजी से आगे बढ़ाता है और सीधे मेन गेट को तोड़ देता है। और आखिरकार गुल्ली बुल्ली यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। गुल्ली बुल्ली तो यहाँ से बाहर निकल आई है और इनके साथ ही साथ ज़ॉम्बीज भी यहाँ से बाहर आ गई है। अब ज़ॉम्बीज पता नहीं शहर का क्या हाल करेंगे। तो दोस्तों, अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली और शॉन का? क्या गुल्ली बुल्ली ज़ॉम्बीज को रोक पाएंगे या फिर ज़ॉम्बीज पूरे शहर को बर्बाद कर देंगे? तो अब क्या होगा इन ज़ॉम्बीज का, ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल सके।